आज सागर जिले के राहतगढ़ में स्वास्थ्य कर्मी जब हड़ताल पे गए तो इसका अच्छा खासा असर देखा गया। सरकारी अस्पताल में मरीज भटकते रहे, वहीं फीवर क्लिनिक की कुर्सियां भी आज खाली देखी गई। कोविड सेंटर में बढ़ते मरीजों के स्वास्थ्य पे भी असर पड़ा होगा। अगर वैक्सीनेशन सेंटर की बात करें तो सेंटर पे डॉक्टर उपस्थित नहीं हुए। सूत्र बताते हैं कि सुबह करीब 10 बजे जब डॉक्टर उपस्थित नहीं होने पे लोगों में गुस्सा रहा, तो कुछ देर बाद राजस अमला वैक्सीनेशन सेंटर पे पहुंचा, जहां वैक्सीनेशन सेंटर पे व्यवस्थाएं दुरुस्त कराए। डॉक्टरों की उपस्थिति नहीं होने की वजह से आज वैक्सीनेशन सेंटर में सोशल डिस्टेंस की जमकर धज्जियां उड़ी। फीवर क्लिनिक में मात्र एक व्यक्ति ही उपस्थित था, जो नगर परिषद का कर्मचारी पुष्पेंद्र राजपूत ने बताया कि आज संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल के चलते फीवर क्लिनिक पे स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित नहीं हुए हैं। राजपूत, अच्छा, आज यहाँ पे डॉक्टर नहीं है, क्या बोले भैया? डॉक्टर लोग कुछ उनकी हड़ताल है, कुछ मांगे हैं, इसलिए वो हड़ताल पर है। अच्छा, आप क्यों आए फिर आज? मैं नगर पालिका से हूँ, मेरी ड्यूटी लगभग 1 साल हो गई है, 23 को 1 साल हो जाएगी जब से मुझे यहाँ अटैच कर दिया है। अच्छा। कोविड में तो मैं यहाँ ड्यूटी करता हूँ। तो डॉक्टरों की किस क्या मांगे हैं? कोई उनकी मांगे हैं 5 जून 2018 के लगभग की है कुछ, तो उस पर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई, इसलिए उन्होंने अपनी मांग करने के लिए आज से हड़ताल, अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल की है। क्या और क्या है उसकी मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो वो जो पेशेंट आ रहा है उनको क्या हो रहा है? अब उनको क्या, कुछ है नहीं, कोई है नहीं, तो उनको वो बोल देते हैं कि 2 नंबर में डॉक्टर साहब को दिखा लें, यहाँ कुछ ना सैंपल हो रहे हैं ना कुछ हो रहा है, जब कोई आएगा तो कुछ करेंगे। अब कोई है नहीं, डॉक्टर नहीं है, तो जब आई डी बनेगी उनकी ऑनलाइन, उनकी आई डी बनती जब तो उनके रैपिड से और RT-PCR, RNA-T से उनके सैंपल होते हैं। अब कोई है नहीं है, वही है सब RVS वाले, वही करते हैं, तो है नहीं, जब वो आएंगे तो उसके बाद कुछ होगा।